हर 2 सेकेंड में बनेगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये है ओला इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री। भारतीय कंपनी ओला इलेक्ट्रिक तमिलनाडु के कृष्णागिरी में दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। नई ईवी फैक्ट्री से न केवल भारतीय बाजार में सप्लाई की जाएगी बल्कि यह कंपनी का एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब भी बनेगा। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि पूरी क्षमता पर उसकी फ्यूचर फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन से प्रत्येक 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनकर तैयार होगी। ओला इलेक्ट्रिक के इस फैक्ट्री की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 करोड़ यूनिट होगी और यह फैक्ट्री 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा फैक्ट्री का फेज 1 जून 2021 में ही बनकर तैयार हो जाएगा और इस अवधि में कंपनी की 20 लाख सालाना प्रोडक्शन क्षमता में होगी। इसी समय कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है जिनका मुकाबला भारतीय बाजार में एथर 450X, बजाज चेटक और टीवीएस आईक्यूब से होगा। ओला इलेक्ट्रिक की इस फैक्ट्री में कुल 10 प्रोडक्शन लाइन्स होंगी। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे एडवांस टू व्हीलर फैक्ट्री होगी। यह फैक्ट्री इंडस्ट्री 4.0 के सिद्धांत पर बनी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 3000 रोबोट होंगे। 43 एकड़ में फैले इस प्लांट में 20 लाख वर्ग फुट फुटप्रिंट होगा। इसके अलावा इस फैक्ट्री में बैटरी, पेंट शॉप, वेल्डिंग, मोटर, जनरल असेंबली, फिनिश्ड गुड्स के लिए डेडिकेटेड एरिया होगा। इसके साथ ही 2 सप्लायर पार्क भी होंगे। पर्यावरण संबंधी अनिवार्यता को देखते हुए इसमें 100 एकड़ का जंगल क्षेत्र और मेगा ब्लॉक सोलर रूफटॉप वाला होगा। प्रेजेंटेड दिव्य हिंदी टेक्नो न्यूज़।